जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग स्वॉर्ड एज कमर्शियल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्टकट में स्वॉर्ड एज कमर्शियल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आज के दिन देखेंगे तो तकरीबन 3.25% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, और गिरावट काफ़ी समय से इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस एकदम डाउन चला गया है। और नीचे कितना डाउन जा सकता है, क्या हमें अभी इसमें वेट करने की ज़रूरत है या इसे एग्जिट हो जाए, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके बाद शुरू से करते हुए चलते हैं। देखिए, एक बात आपको पता है कि स्वॉर्ड एज जो कंपनी है, ये ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ट्रेडिंग करती है, वेरियस प्रोडक्ट्स में कंपनी ट्रेडिंग करती है। और ट्रेडिंग में क्या होता है कि रिस्क जो होता है इन्वॉल्व होता है, रिस्क होता है ट्रेडिंग के बिजनेस। यदि आपको पता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें रिस्क होता है, क्योंकि प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे होता है, और यदि एक रेंज वाउंड में फंस जाए तो आपको रिस्क होना लाजिम है। तो ट्रेडिंग करने वाली कंपनियाँ, रिस्क उसमें होता है। तो अभी ये कंपनी घाटे में चल रही है, क्यों चल रही है मैं आपको आगे बताऊंगा, काम समझ गए। अब चलिए फंडामेंटल देखते हैं कंपनी का। फंडामेंटल में देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 7 करोड़ का आसपास है, ओनली 7 करोड़। कितनी छोटी कंपनी, कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी तो नहीं, हाँ, लेकिन जो ठीक ठाक पर्सन है उसको इसको इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। स्टॉक का पी काफ़ी महंगा है, वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो शेयर प्राइस भले पैसा है लेकिन फिर भी महंगा है। बुक वैल्यू से शेयर प्राइस कम है, जो काफ़ी चिंता की बात है। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात है कि कंपनी का आरओई और आरओसी देखेंगे तो माइनस में है, जबकि ये माइनस में नहीं होना चाहिए था। माइनस में यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ भी कमा कर नहीं देगी। अब यदि मैं इस कंपनी का आपको चार्ट दिखाऊं, चार्ट के माध्यम से बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो मैंने अभी 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, और 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो अप्रैल के बाद से इस कंपनी का शेयर प्राइस, जैसे ये अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के बाद से कंपनी का शेयर प्राइस क्या खूब तेज़ी से नीचे की तरफ आया है। पहले ये जो 40 पैसा ग्लोबल इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो, लेकिन यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलर इस लेवल के बाद, जून के बाद काफ़ी तेज़ी से इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आया है। यानी कि एक बात स्पष्ट है कि इसके जितने भी सपोर्ट थे सभी सपोर्ट ये कंपनी तोड़कर अब प्राइस सपोर्ट लेवल के भी नीचे चली गई। अगला सपोर्ट कहाँ पर है इसके लिए आप देखना चाहेंगे तो 5 साल का चार्ट यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। 5 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि अगला सपोर्ट जो इस कंपनी का है, जो दिसंबर 2021 में बनाया था, इस लेवल के आसपास जो कि 20 पैसा का लेवल है, तब आप डिसाइड कीजिए कि आप 30 पैसा के आसपास जहाँ अभी प्राइस है वहाँ पर निकलना चाहते हैं, या 20 पैसा के आसपास जब इस कंपनी का शेयर प्राइस आ जाएगा तो यहाँ पर निकलना चाहते हैं। मेरे हिसाब से मानेंगे तो बुद्धिमानी अभी जहाँ प्राइस चल रहा है उसी पर निकलने पर होगी। मैं इस कंपनी से एग्जिट होने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है ना बिल्कुल बेकार है, और अभी जो क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें भी इसका फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट होते हुए नहीं दिख रहे। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट पर। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स। तो देखिए कंपनी का जो जो क्वार्टर फोर में रिजल्ट आया, जिसको दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट कहते हैं, सॉरी क्वार्टर फोर का रिजल्ट नहीं आया अभी तक इस कंपनी का, दिसंबर 3 यानी कि क्वार्टर 3 तक का ही रिजल्ट आया। और क्वार्टर 3 के रिजल्ट में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स कुछ नहीं हुआ है। इसके पहले वाले क्वार्टर में, क्वार्टर 2 में भी देखेंगे तो कुछ सेल्स नहीं हुआ था, माइनस में था। हालांकि उसके पहले के क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में, क्वार्टर 1 में कंपनी की थोड़ी बहुत कमाई हुई थी, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ज़्यादातर देखेंगे कंपनी का सेल्स बहुत कम होता है। जिस क्वार्टर में कंपनी के सेल्स थोड़े बहुत होते हैं उसमें कंपनी के शेयर प्राइस में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलता है। बाकी के दिनों में क्या होता है, शेयर प्राइस रेंज बाउंड में घूमते घूमते फिर नीचे आने लगता है, तो वही अब इसमें नीचे आ रहा है। और देखिए एक चीज़ और आप देखेंगे, क्योंकि कंपनी चलाना है तो खर्चे तो रहेंगे, तो एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है 4 लाख के आसपास, जबकि कंपनी की कमाई बिल्कुल नहीं हुई है। पिछले क्वार्टर में कुछ कमाई नहीं हुई थी, फिर भी 7 लाख का खर्चा हुआ, क्योंकि कंपनी चलाना है तो खर्चे तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, चूंकि कमाई नहीं हो रही कंपनी की, तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से होगा। नेट प्रॉफिट की यदि बात करें तो नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी माइनस में है, प्रॉफिट में उसके पहले कंपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट में जरूर थी। लोगों को उम्मीद जगा था कि इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी आएगी, लेकिन क्या हुआ कि कंपनी अब धीरे धीरे बर्बादी के कगार पर जा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं वो टोटल के टोटल शेयर्स पब्लिक के पास है, इसमें प्रमोटर्स हैं ही नहीं, यानी कि मालिक पहले ही माल बेच के इसमें से निकल गए हैं। इसलिए आपका भी इसमें बने रहना जरूर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे, और ये जो चीज़ मैं लिखा हूँ इसका आप पालन करेंगे। स्वॉर्ड एज के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, सवाल है जो आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यदि ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो आप एम स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक उस वीडियो में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।